बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों की इन दिनों शूटिंग चल रही है तो कई रिलीज के लिए तैयार हैं। वह इन सब के बीच नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर की भी एक अपकमिंग फिल्म टीकू वेड शेरू जबरदस्त सुर्खियों में है। दरअसल एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया है। इस फिल्म के फर्स्ट लुक में नवाज और अवनीत दोनों ही अनोखे अंदाज में नजर आ रहे हैं। फिल्म की पहली झलक शेयर करते हुए कंगना रनौत ने इस फिल्म के बारे में कुछ खास जानकारी भी दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर के अलग अलग अंदाज में दिखाई देने वाली इस फिल्म के पोस्टर को जारी किया है। एक पोस्टर में फिल्म के हीरो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए कंगना रनौत ने कैप्शन में लिखा कि हम जब भी मिलते हैं तो दिल से मिलते हैं, वरना ख्वाबों में भी मुश्किल से मिलते हैं। मिलिए शिराज खान उर्फ शेरू से। शेरू से मिलवाने के बाद कंगना ने अपनी फिल्म की हीरोइन और टीकू यानी अवनीत कौर से मिलवाया। अवनीत के पोस्टर के साथ कंगना ने लिखा कि चलो तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। मिलिए तस्लीम खान उर्फ टीकू से। दरअसल कंगना ने इस फिल्म को लेकर 3 पोस्टर शेयर किए हैं। पहले पोस्टर में नवाज ऑल ब्लू लुक में शेरू के रोल में दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगले पोस्टर में अवनीत कौर रेड कलर की स्टाइलिश ड्रेस में टीकू के किरदार में नजर आ रही हैं। इसके अलावा तीसरे पोस्टर में ये दोनों दुल्हा दुल्हन के लुक में नजर आ रहे हैं। टीकू वेड शेरू के फर्स्ट लुक को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा कि पद्मश्री सम्मान मिलने के दिन ही मैं प्रोड्यूसर्स के तौर पर अपनी जर्नी शुरू कर रही हूँ, ये मेरे लिए काफी स्पेशल है। इसके साथ ही कंगना ने कहा कि आप सभी के साथ मणिकर्णिका फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बन रही अपनी पहली प्रोडक्शन वेंचर्स का फर्स्ट लुक शेयर कर रही हूँ, ये मेरे जिगर का एक टुकड़ा है। उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आएगा। फिल्मिंग शुरू हो रही है। आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कंगना रनौत को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। देश का 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाकर कंगना रनौत काफी खुश है। सिनेमा को दिए अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए कंगना को ये सम्मान मिला है। तो कंगना की ये फिल्म पहले सिनेमाघरों में और फिर बाद में अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। फिल्म टीकू वेड शेरू फाइनली मंगलवार को फ्लोर पर चल गई है। फिल्म का पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है। वहीं बॉलीवुड की एक सफल अभिनेत्री बनने के बाद कंगना रनौत ने अब निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रख दिया है और एक फिल्म निर्माता के तौर पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने को एक कदम दिया है। निर्माता के तौर पर ये उनकी पहली फिल्म है। कंगना ने जो पोस्टर जारी किया है उससे लगता है कि अपने प्रोड्यूसर बनने के साथ साथ वो चाहती है कि उनके फिल्म के किरदारों से भी लोग रूबरू हों। इसलिए कंगना ने फिल्म के हीरो हीरोइन से भी दर्शकों की मुलाकात करवाई है। उनको इंट्रोड्यूस करवाने का तरीका भी लोगों को काफी पसंद आया है। इसके साथ ही एक फैक्ट ये भी है कि इस फिल्म से एक्ट्रेस अवनीत कौर के करियर को भी एक मेन डेफिनेशन मिलेगी। हालांकि वो टीवी की दुनिया का एक जाना माना चेहरा है और पहले से ही मेन स्ट्रीम सिनेमा का हिस्सा है, लेकिन मेनली इस फिल्म में वो लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जिसके साथ लोगों और खासतौर पर उनके फैंस की भी उनसे काफी उम्मीदें रहेंगी। अवनीत कौर एक सोशल मीडिया स्टार भी हैं और इंस्टाग्राम पर अभिनेत्री के 27 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। कंगना के साथ साथ अवनीत और नवाज ने भी अपने अपने सोशल मीडिया हैंडलर से फिल्म का पोस्टर शेयर किया है, जिसको उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। साथ ही कमेंट सेक्शन में फिल्म के लिए बेस्ट विशेष और कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे हैं। फिल्म को डायरेक्टर साई कबीर डायरेक्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि कंगना और साई के बीच ये पहला कोलैबोरेशन नहीं है। इससे पहले भी दोनों फिल्म रिवॉल्वर रानी के लिए साथ काम कर चुके हैं, लेकिन ये कंगना के लिए भी एक चुनौती की बात होगी। साथ ही लोगों को ये भी इंतजार रहेगा कि क्या अपने अभिनय की तरह कंगना निर्देशन के क्षेत्र में भी कमाल कर पाती है या नहीं।